इंदौर में स्थित तेबा कॉलेज का वार्षिक यूथ फेस्ट 14 और 15 फरवरी को आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस वार्षिक कार्यक्रम में कॉलेज के 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। तेबा कॉलेज के प्रोफेसर जहूर मिसबाही ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 14 और 15 फरवरी को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कॉलेज में पढ़ने वाले 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। इन बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया और उनके बीच 5 भाषाओं में 100 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में एसे राइटिंग, नाथ कॉम्पिटिशन, अरबी ट्रांसलेशन आदि शामिल थी। प्रतियोगिता में सब जूनियर कैटेगरी से उबेद रजा, जूनियर कैटेगरी से फैजान रजा और सीनियर कैटेगरी से तनवीर अहमद को शानदार प्रदर्शन करने पर ट्रॉफी और स्टार ऑफ द फेस्ट के टाइटल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आप लोगों की सेवा के लिए है। समाज सेवी इकबाल खान ने बच्चों को कहा कि आप सभी दिल लगाकर पढ़ाई करें और देश की बेहतरी के लिए काम करें। कार्यक्रम में यूनुस पटेल, इकबाल खान, हाजी नबी मुल्तानी आदि मौजूद रहे। फेस्ट के समापन पर तेबा कॉलेज के डायरेक्टर उस्ताद सिद्दीक नूरानी ने सभी का आभार माना। आपको बता दें कि तेबा कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक तालीम भी दी जाती है। तेबा कॉलेज में 7वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन होने के साथ ही बच्चे इस दौरान अपने दर्स निजामी भी पूरा करते हैं और ग्रेजुएट होने पर आलिम भी बन जाते हैं।